यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री के पशु चिकित्सालय में पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों व किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए गए। इस अवसर पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में इंद्री खंड के 400 के करीब किसानों के कार्ड बनाए गए। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राजपाल ने भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर राजपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह एक बढ़िया स्कीम है, जिसके तहत किसानों व पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,60,000 से 3,00,000 रुपयों तक की है। उन्होंने कहा कि करनाल जिला में 40,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इंद्री खंड के किसानों व पशुपालकों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनकी विशेष बात यह है कि इसमें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इस राशि पर केवल 4% ब्याज लगेगा, लेकिन एक शर्त है कि किसान को यह राशि एक साल में ही वापस करनी होगी, अन्यथा ब्याज की राशि बढ़ जाएगी। इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, पीएनबी, कैनरा व यूनियन बैंक इत्यादि कई बैंकों में लोन सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर राजपाल ने बताया कि समय समय पर पशु चिकित्सालयों में पशुपालकों के लिए जागरूकता अभियान चलाकर उनको पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मौजूदा समय में किसान अच्छी नस्ल के पशु रख रहे हैं, जिनकी दूध की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। सर, ये हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के हित में एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। पहले जो जिनके पास गांव में किसानों के पास भूमि होती थी, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना पहले से ही उपलब्ध है, पर बहुत भारी मात्रा में ऐसे भी लोग हैं गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं उपलब्ध है, तो ज़मीन के ऊपर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनता था। जिनके पास ज़मीन नहीं है और पशु हैं, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ने एक बहुत लाभकारी योजना चलाई है, जिसका नाम पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके अंतर्गत 1,60,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक का लोन पशुपालक को बैंक के माध्यम से दिलाया जाएगा। 4% उसके ऊपर ब्याज लगेगा। उसके लिए पशुपालक साथ भाइयों से मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अपने निकटतम और संबंधित पशु अस्पताल में जाकर एक आवेदन फार्म उन्होंने भरना पड़ेगा। उसके लिए अपना एक वो वोटर आईडी ना सॉरी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर अपने संबंधित पशु चिकित्सालय, हमारी वो जो गवर्नमेंट वेटनरी डिस्पेंसरी किसी गांव में है तो उसमें जाके हमारे संबंधित कर्मचारी से मिलकर अपना फार्म भरवा लें। उसके बाद जो उनके पास पशु हैं, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो डॉक्टर वेटनरी सर्जन इशू करेगा और सारे दस्तावेज फिर बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक फिर उनको 1,60,000 रुपये बगैर किसी सिक्योरिटी के 4% ब्याज पर उपलब्ध करवाएगा और साथ में ATM कार्ड भी उनको देंगे, जिसके माध्यम से वो अपना रोज़ की मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से पैसे भी निकलवा सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि वो जितना पैसा उसने निकलवाया वो एक साल में जमा करवा दे, पूरा एक साल की अवधि पूरी होने तक। जो आज पैसा निकलवाया है उससे गिनती शुरू कर दो, एक साल कब होगा, उसके ख़त्म होने से पहले जितने पैसे निकलवाए 1,60,000 के वो आप जमा करा दो, तो आपका ब्याज रहेगा 4%। कोई भाई ये गलती ना कर दे कि साल से ऊपर हो जाए, फिर उसका ब्याज बढ़कर 12% हो जाता है। और जो लेना चाहता है 1,60,000 से ज़्यादा, उसमें उसने पशु के वेल्थ सर्टिफिकेट फिर बनाने पड़ेंगे। 3,00,000 तक के लोन में कोलेटरल सिक्योरिटी उसको बैंक में अपनी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ब्याज उस पर भी 4% है और वो जमा एक साल में कराना होता है, नहीं कराएंगे तो उस पर भी 12% ब्याज लग जाएगा। तो उस हिसाब से हमने जिला करनाल में हमारे को 40,000 का लक्ष्य जो है सरकार द्वारा दिया गया है, और पहले हमने असंध, गरौंडा और अब इंद्री, हमारी 3 सब डिवीज़न हैं, इन पर कैंपों का शिविरों का आयोजन किया है। गरौंडा और असंध हो गए थे, आज इंद्री में है। उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पर ऐसे ही शिविरों का आयोजन करेंगे ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो इसके प्रति। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ब्याज के बाद इंद्री में कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, जब भी आप चाहें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से जाकर मिल सकते हैं और उसमें जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। ये तो एक जागरूक करने के लिए लोगों को हमने शिविरों का आयोजन किया था। फायदा तो बैंक का ब्याज का है जी, 12% से 4% आप इनको मिलेगा तो 8% ब्याज का फायदा है। नहीं, पशुओं की तरफ तो रुझान पहले भी है जी, कम तो नहीं हो रहे,
लोगों को ऐसी कोई बात नहीं हमारी भाई, उसमें पशु गणना में कोई कमी नहीं आ रही है। पशु की क्वालिटी बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ी आ रही है, पहले से बहुत बेहतर। आप भी देख रहे हैं कि पशु की, आपने देखा झोटों की कीमत कई लाख और करोड़ों में जाके पहुंच गई, और भैंस की कीमत भी आज 1 लाख से कम किसी की नहीं है। अच्छे से पशु करनाल जिले में गायें आप देख लो, यहाँ पर 40-40 लीटर दूध देने वाली गायों उपलब्ध हैं आपके पास। तो ऐसी बात नहीं है कि पशुओं में कम आ रही है, होल्डिंग कम होगी, गाँव में रहने के लिए जगह ही कम होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़मीन तो बढ़ती नहीं, अब पशु को रख रखाव के लिए जगह भी तो ज़्यादा चाहिए, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं भाई कमी होगी। पहले खुले जगह होती थी, लोगों के पास जगह बहुत थी चलने फिरने के लिए, जानवर के लिए तो ज़्यादा पशु रख लेते थे। अच्छी क्वालिटी के पशु दो ही रख लो आप, वो 10 पशु वैसे रखने से बढ़िया है। अगर आपके 2 पशु 40 किलो दूध दे दें और 4 पशु 40 किलो दूध दे दें तो बेटर है आप दो ही रख लो। अच्छी नस्ल के मुर्रा नस्ल के ऊपर हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है, मुर्रा अपग्रेडिंग में लोगों को इनाम भी दे रही है, जिसकी भैंस मुर्रा नस्ल की दूध 18 और 20 किलो तो ऊपर दूध देती है उनको इनाम देते हैं। इसके ऊपर तो यही अभियान है जी हमारा, ये सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम शिविर लगाएंगे, और साथ साथ जब हम वैक्सीन करते हैं तो लोगों को इस बारे में फिर बताते रहेंगे। हम अपने हॉस्पिटलों में, डिस्पेंसरियों में हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो बाकायदा हर शनिवार को, हर हफ्ते में कोई, किसी ने शुक्रवार का दिन तय कर रखा, किसी ने शनिवार को कैंप लगाते हैं हेल्थ कैंप, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। आजकल साहिवाल, मुर्रा व हरियाणा नस्ल की देसी गायों की काफ़ी डिमांड है, इन नस्लों के किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। मुर्रा नस्ल की भैंसों व कटरों की कीमत तो लाखों में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि आजकल किसानों में पशु पालने में रुचि बढ़ रही है, सरकार भी किसानों को पशु पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके विस्तार के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं।